Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बीए बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर मैथ्स पेपर सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के सिलेबस को देखने वाले हैं। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस होता है, चार सेक्शंस का होता है एंड जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें पांच सेक्शन होते हैं। पहले चारों सेक्शन में क्वेश्चन पेपर में दो दो क्वेश्चन होते हैं जिसमें से एक एक क्वेश्चन करना होता है और फिफ्थ क्वेश्चन कंपलसरी होता है जिसमें सिक्स पार्ट्स होते हैं। बीए में हमारा क्वेश्चन पेपर 27 मार्क्स का होता है एंड बीएससी में 40 मार्क्स का होता है। तो फर्स्ट यूनिट का सिलेबस देखते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको उसके फॉर्मेशन, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिसका हमें कंप्लीट सॉल्यूशन भी करना है, सिंगुलर सॉल्यूशन भी करना है, जनरल सॉल्यूशन भी करना है एंड सॉल्यूशन ऑफ लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन, ये सारे सॉल्यूशन करने हैं। चार पिट्स, जनरल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, कंपेटिबल सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन एंड जैकोबीज मेथड, ये सब फर्स्ट यूनिट में करना है। सेकेंड यूनिट में लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर करनी है। इसके साथ साथ इसका भी लीनियर और नॉन लीनियर, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट्स करनी है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशियंट भी करनी है, रिड्यूसिबल टू इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट्स, और उसके साथ साथ देयर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पार्टिकुलर इंटीग्रल्स भी करनी है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट्स एंड थर्ड सेक्शन में क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इसके साथ साथ हाइपरबोलिक, ये इसी के टाइप्स हैं, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, इलिप्टिकल, जो भी टाइप्स हैं इसके, रिडक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस टू कैनोनिकल मींस नॉर्मल फॉर्म एंड देयर सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर हाइपरबोलिक इक्वेशन मोंक्स मेथड फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। लास्ट सेक्शन में क्या करना है, कोचिस प्रॉब्लम फॉर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। नेक्स्ट में करना है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स और इसमें से सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन, वेव इक्वेशन, इसमें से वन डायमेंशनल भी करना है एंड टू डायमेंशनल भी करना है, डिफ्यूजन हीट इक्वेशन, इसमें भी वन डायमेंशनल भी करना है एंड टू डायमेंशनल भी करना है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का सिलेबस है, चारों सेक्शन मैंने बता दिए हैं। इसका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें पांच सेक्शन आते हैं, जिसमें से पहले सेक्शन में फर्स्ट यूनिट में से दो क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन करना होता है और उन दोनों क्वेश्चन के भी दो दो पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही बाकी यूनिट्स में भी दो दो क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं के भी दो दो पार्ट्स होते हैं। लास्ट क्वेश्चन कंपलसरी आता है, जो कि पूरे के पूरे सिलेबस में से आपको क्वेश्चंस आते हैं। बीएससी में कंपलसरी क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एंड बीए में 1.5 मार्क्स के आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।